नमस्कार, मैं शिवानी बिहारी, न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। औद्योगिक विकास की रैंकिंग में यह झूला टॉप पर। विधानसभा शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन विपक्ष ने सदन का किया बहिष्कार। बिहार की बेटी ने रोलर स्केटिंग की नेशनल चैंपियनशिप में जीता स्वर्ण पदक। इन ट्रेनों का परिचालन आज से रहेगा रद्द। इस साल गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले टॉप भारतीय खिलाड़ी बने विराट कोहली। अब चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। औद्योगिक विकास की रैंकिंग में यह जिला टॉप पर। उद्योग विभाग ने पहली बार औद्योगिक विकास की रैंकिंग जारी की है, जिसमें सिवान जिला पहले स्थान पर है। वहीं राजधानी पटना इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर है। उद्योग विभाग के प्रधान सचिव संदीप पौंडरिक ने बताया कि जिलों की रैंकिंग में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, बिहार स्टार्टअप, बैंकों और उद्यमियों के साथ संवाद, एमएसएमई योजना, पीएमएफएमई योजना, पीएमईजीपी योजना आदि के क्रियान्वयन में जिलों द्वारा किए गए प्रयासों के आधार पर जिलावार रैंकिंग तैयार की गई है। इस लिस्ट में मुंगेर तीसरे नंबर पर, शेखपुरा चौथे नंबर पर, वहीं कटिहार पांचवें नंबर पर है। वहीं सहरसा, किशनगंज, बक्सर, बेगूसराय, नालंदा और कैमूर भी टॉप 10 जिलों में शामिल है। मजदूरों की समस्या को घर जाकर सुनेंगे मंत्री और अधिकारी। सरकार के मंत्री और अधिकारी अब प्रदेश के मजदूरों की समस्या जानने के लिए उनके घर पहुंचेंगे। श्रम संसाधन विभाग ने इसके लिए कार्य योजना बनाई है, जिसकी शुरुआत जनवरी से होगी। इस कार्य योजना के तहत जिले के किसी एक पंचायत में जनता दरबार लगाया जाएगा, जिसमें मजदूरों की परेशानियों का निपटारा किया जाएगा और उनसे सुझाव भी लिया जाएगा, ताकि मजदूरों को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ा जा सके। साथ ही दूसरे राज्यों में रोजगार की खोज में जाने वाले को यहीं रोजगार मिल सके। विभाग ने तय किया है कि सरकार खुद जाकर मजदूरों की समस्याओं को जाने और समझे। विभागीय योजना के अनुसार किसी जिले के एक पंचायत में मंत्री आला अधिकारियों के साथ जाएंगे और उस पंचायत के अलावा आसपास के पंचायतों के मजदूरों की समस्या मंत्री खुद सुनेंगे। विधानसभा शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन विपक्ष ने सदन का किया बहिष्कार। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन कई मुद्दों को लेकर हंगामा भरा रहा। भाजपा विधायकों ने सदन में जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आपस में भिड़ गए, जहां नीतीश कुमार को आक्रोशित होता हुआ देखा गया। भाजपा विधायकों का आरोप है कि नीतीश कुमार ने तुम तड़ाक करके बातें की हैं, जिसके बाद नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने नीतीश कुमार से माफी मांगने को कहा। वहीं माफी मांगने की बात पर नीतीश कुमार और भी जोर से बोलने लगे, जिसके बाद नीतीश कुमार एक बार फिर से तुम शब्द का प्रयोग करते हुए कहा कि भला हम क्यों माफी मांगेंगे, जिसके बाद नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने सदन को बहिष्कार कर दिया। मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि सदन के भीतर मुख्यमंत्री का व्यवहार पूरी तरह से अलोकतांत्रिक है। बिहार के ये 8 शहर जिसका AQI पहुंचा 400 के पार। ठंड बढ़ने के साथ ही बिहार के वायु प्रदूषण की स्थिति बिगड़ती जा रही है। पटना, दरभंगा समेत बिहार के ऐसे 8 शहर हैं जो देश में सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों की लिस्ट में शामिल हैं। 14 दिसंबर यानी आज सुबह 5 बजे तक की बात करें तो पटना, बेगूसराय, भागलपुर, दरभंगा, बेतिया, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया और सिवान का एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 400 के पार दर्ज किया गया है। वहीं नेशनल AQI के मुताबिक बुधवार सुबह 10 बजे तक दरभंगा में सबसे अधिक 453 AQI दर्ज किया गया है, जो खतरनाक श्रेणी में है। वहीं बेगूसराय में 447, पूर्णिया में 439, मुजफ्फरपुर में 435, पटना में 423, समस्तीपुर में 417, सिवान में 415 और भागलपुर में 401 AQI दर्ज की गई है। इस विश्वविद्यालय में शुरू हो रही है सिक्योरिटी एंड डिजिटल फॉरेंसिक की पढ़ाई। बढ़ते साइबर अपराध के बीच दिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में अब साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल फॉरेंसिक की पढ़ाई शुरू हो रही है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो नए साल में विश्वविद्यालय में इस कोर्स की शुरुआत भी हो जाएगी। बता दें कि विश्वविद्यालय में विभिन्न डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स शुरू करने के लिए बीते दिन प्रोविसी प्रोफेसर रमेश कुमार की अध्यक्षता में समीक्षात्मक बैठक हुई। इसमें पीजी विभाग और कॉलेज स्तर पर डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स शुरू करने के लिए प्रस्ताव रखा गया, जिसमें बताया गया है कि 2 साल के कोर्स के तहत 4 सेमेस्टर की पढ़ाई होगी। साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल फॉरेंसिक कोर्स के लिए 60 सीट तय किया गया है। MCA विभाग के निदेशक प्रोफेसर विजेंद्र कुमार ने कहा कि MCA के तर्ज पर AIECT से मान्यता लेने होंगे। विश्वविद्यालय से मंजूरी के बाद इस दिशा में आगे की बची प्रक्रिया को तेज की जाएगी। बिहार की बेटी ने रोलर स्केटिंग के नेशनल चैंपियनशिप में जीता स्वर्ण पदक। बिहार की बेटी सानवी चौहान ने 8वीं नेशनल रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप बैंगलोर में 9 से 11 उम्र के वर्ग ग्रुप में स्वर्ण पदक हासिल किया है। सानवी ने सबसे कम समय में 200 मीटर के रिंक रेस को पूरा करने में नेशनल रिकॉर्ड भी बनाया है, जिसके चलते बिहार को स्केटिंग में पहला स्वर्ण पदक मिला है। बिहार स्केट एसोसिएशन ने सानवी और कोच अभिषेक को इसके लिए बधाई दी है। सानवी ने अपनी जीत का श्रेय अपने कोच अभिषेक कुमार और मां अनुपमा कुमारी को दिया है। सानवी ने कहा कि मेरी माँ ही मुझे सुबह 4 बजे से 7 बजे तथा शाम 4 बजे से शाम 7 बजे तक उनकी प्रैक्टिस में बिना किसी छुट्टी के सहयोग किया करती रही हैं। इन ट्रेनों का परिचालन आज से रहेगा रद्द।
यात्रीगण कृपया ध्यान दें, धनबाद मंडल के गढ़वा रोड, तोलरा एवं रजहरा स्टेशनों पर नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के कारण कुछ मेल एक्सप्रेस एवं पैसेंजर ट्रेनों में परिचालन रद्द कर दिए गए हैं। वहीं कुछ के ट्रेनों का मार्ग परिवर्तित कर दिया गया है। इन ट्रेनों का परिचालन 14 से 30 दिसंबर तक बाधित रहेगा। इसकी जानकारी पूर्व मध्य रेल के जनसंपर्क अधिकारी वीरेंद्र कुमार ने दी है। इस दौरान जिन ट्रेनों का परिचालन रद्द रहेगा उनमें रांची चोपर एक्सप्रेस अप एंड डाउन 14 दिसंबर से 29 दिसंबर तक, नेताजी सुभाष चंद्र बोस गोमो 15 से 30 दिसंबर तक, बड़काकाना वाराणसी बड़काकाना 15 से 30 दिसंबर तक, रांची सासाराम रांची एक्सप्रेस 14 से 29 दिसंबर तक, पटना सिंगरौली पटना 23 से 29 दिसंबर तक रद्द रहेगी। वहीं कई ट्रेनों का मार्ग इस दौरान परिवर्तित कर दिया गया है। कृपया विस्तृत जानकारी के लिए आप IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट पर जरूर विजिट करें। इस दिन होगा दलाई लामा का बिहार आगमन। बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा 22 दिसंबर को बिहार आ रहे हैं और लगातार 4 सप्ताह तक वह बिहार में प्रवास करेंगे। साथ ही 29, 30 और 31 दिसंबर को वे कालचक्र मैदान में प्रवचन भी देंगे। वहीं दलाई लामा का प्रवास और उनके प्रवचन कार्यक्रम को देखते हुए बोधगया की सुरक्षा सुदृढ़ की जा रही है। इसको लेकर DM और SSP ने कहा है कि दलाई लामा की टीचिंग सुनने और पूजा अर्चना करने को आने बौद्ध श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। इस मसले पर सभी जिम्मेदार अधिकारियों के साथ बैठक ठोस कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। पटना HC के मुख्य और वरिष्ठ न्यायाधीश एक साथ बने SC के जज। बिहार के लिए और पटना हाईकोर्ट के लिए यह पहला अवसर है जब यहां के मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठ न्यायाधीश एक साथ सुप्रीम कोर्ट में जज बनाए जाएंगे। जी हां, सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने जिन नामों की सिफारिश की है इनमें राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल, मणिपुर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश PV संजय कुमार और पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और पटना हाईकोर्ट के जज अहसानुद्दीन अमानुल्लाह का नाम भी शामिल है। मालूम हो कि अभी तक का यह परंपरा रहा है कि हाईकोर्ट के वरिष्ठ मुख्य न्यायाधीश ही सुप्रीम कोर्ट में जज बनाए जाते रहे। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाले सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने बीते दिन शीर्ष अदालत के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए केंद्र को हाईकोर्ट के 5 न्यायाधीशों के नामों की सिफारिश की है। बरौनी यूरिया कारखाने की क्षमता 12.70 लाख मीट्रिक टन। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी के एक सवाल के जवाब में रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री भगवंत खूबा ने बताया कि बरौनी में यूरिया खाद का कारखाना बनकर तैयार हो गया है। उन्होंने बताया कि भारत सरकार के द्वारा 8,388 करोड़ रुपए के खर्च पर खाद्य कारखाने का निर्माण कराया गया है, जिसमें 18 अक्टूबर 2022 से यूरिया का उत्पादन भी शुरू कर दिया गया है, जिसमें यूरिया उत्पादन की क्षमता 12.70 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष है। वहीं देश में कुल 6 यूरिया उत्पादन की इकाई हैं, 4 सरकारी और 2 प्राइवेट। इन 6 इकाई से यूरिया उत्पादन की क्षमता 283.74 लाख मीट्रिक टन है, जबकि जरूरत 341.73 लाख मीट्रिक टन है। शेष यूरिया विदेशों से आयात किया जा रहा है। पटना गोपालगंज की दूरी होगी कम, DM ने NH का किया निरीक्षण। पटना गोपालगंज सहित इनके बीच आने वाले गांवों के लिए अच्छी खबर है क्योंकि इसकी दूरी अब कम होने वाली है। NHAI से मंजूरी मिलने के बाद डुमरिया घाट से पटना के बाकरगंज को जोड़ने के लिए नए हाईवे का निर्माण तेज किया जा रहा है। केंद्र सरकार की राम जानकी पथ 4 लेन योजना और पटना गंगा ब्रिज से गोपालगंज के लिए 4 लेन राज्य पथ योजना का बैकुंठपुर के मड़वा में जंक्शन होना है, जिसके लिए वहां बहुत ज्यादा एरिया की आवश्यकता है। वहीं इसका निरीक्षण DM डॉक्टर नवल किशोर ने अधिकारियों के साथ किया है। वहीं नया NH बैकुंठपुर प्रखंड के दियाड़ा इलाका को जोड़ेगा, जिनमें करीब 25 गांव शामिल हैं। हाईवे के निर्माण से दियाड़ा का नजारा बिल्कुल बदल जाएगा। वहीं बाढ़ की त्रासदी से भी यह हाईवे इन क्षेत्रों को बचाएगा। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा जदयू राजद का विलय आत्मघाती होगा। जदयू और राजद के विलय का सवाल हमेशा से उठता आया है, जब से महागठबंधन की सरकार आई है। विपक्षी दलों का कहना है कि राजद जदयू को खुद में विलय कर लेगी। जदयू और राजद के विलय को लेकर जब उपेंद्र कुशवाहा से पूछा गया तब उन्होंने कहा कि यह फैसला आत्मघाती होगा। वहीं तेजस्वी यादव के नेतृत्व में 2025 विधानसभा चुनाव लड़ने की बात पर जदयू संसदीय दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि तेजस्वी यादव ने खुद कहा है कि पहले 24 का इलेक्शन है, उस पर महागठबंधन का ध्यान है। वहीं RJD जदयू मर्जर पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, अगर किसी कोने में ऐसी बात उठी है तो ये आत्मघाती कदम होगा। नीतीश व सरकार को सदन के अंदर और बाहर दोनों जगह झेलना पड़ा विरोध। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन नीतीश कुमार को सदन के अंदर और बाहर दोनों ही जगह विरोध झेलना पड़ा। सदन के अंदर मशरक में जहरीली शराब से हुई कई लोगों की मौत को लेकर था, वहीं बाहर में सरकार को समर्थन दे रहे CPI माले ने मंडी व्यवस्था लागू करने को लेकर जमकर नारेबाजी की।
माले विधायकों ने सदन के बाहर पोस्टर लहराकर धान खरीद और शिक्षक नियुक्ति के मामले में नीतीश सरकार को जिम्मेदार ठहराया। माले विधायकों ने कहा कि हम सरकार को समर्थन कर रहे हैं, लेकिन सरकार को जनहित के मुद्दों पर सजग होना चाहिए। उन्हें किसानों और छात्रों के मामले में गंभीरता दिखानी चाहिए। राज्य में लगातार किसान, छात्र और बेरोजगार उपेक्षित हैं। माले विधायकों ने नीतीश सरकार से मांग की है कि राज्य में 3500 रुपये प्रति क्विंटल धान खरीद की गारंटी होनी चाहिए। मंडी व्यवस्था बहाल करने की मांग की गई है। सत्ता में बैठे लोग जहरीली शराब से लोगों को मारने का षड्यंत्र रच रहे हैं। सुधाकर सिंह, एक बार फिर से जहरीली शराब पीने की वजह से मशरक में हुई मौत को लेकर राजद नेता और पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने सीधे सीधे सत्ता में बैठे हुए लोगों को जिम्मेदार बताया है। उन्होंने कहा है कि सत्ता में बैठे लोग जहरीली शराब से लोगों को मारने का षड्यंत्र रच रहे हैं, जिसमें उन्हें कामयाबी मिलती रही है। अब तक कई बार इस पर सदन और सदन के बाहर इसका विरोध किया गया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सुधाकर सिंह ने इशारों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि सत्ता के शीर्ष पर जो बैठे हैं वह इसके लिए जिम्मेदार हैं, वह संरक्षण भी देते हैं और राजनीतिक फंडिंग भी हासिल करते हैं। इस साल गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले टॉप भारतीय खिलाड़ी बने विराट कोहली। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली का क्रिकेट के मैदान पर ही नहीं बल्कि गूगल पर भी जलवा बरकरार है। इस साल गूगल पर जिन भारतीय खिलाड़ियों को सबसे ज्यादा सर्च किया गया है उनमें विराट कोहली टॉप पर है। इससे पहले इस साल जून तक विराट कोहली गूगल पर सर्च किए जाने वाले 10वें एशियाई थे। इतना ही नहीं, कोहली एशिया के तीसरे ऐसे शख्स हैं जिनको गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च किया गया है। इससे पता चलता है कि विराट कोहली का ऑन फील्ड ही नहीं बल्कि ऑफ फील्ड भी जलवा कायम है। विराट कोहली के लिए गूगल पर यह सर्च पिछले 2 महीनों में सबसे ज्यादा की गई है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है उमेश ऋषिदेव, शंकर मुखिया, मोहम्मद शाकिर हुसैन, भान प्रकाश मौर्य, मोहम्मद नौशाद रजा, ब्रजेश राम, गोल्डन कुमार, बाबूलाल मरांडी और नुन्नू कुमार गोलू। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि बिहार के मजदूरों की स्थिति सुधारने के लिए सरकार को क्या क्या ठोस कदम उठाने चाहिए। अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।